कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है मैडम मैडम के बारे में, बच्चों के बारे में कहते हैं, इनकी दो दो शादियां हुई हैं वैसे, और हर तरीके से हरकतें, अश्लील बातें करना, अश्लील हरकतें करना, ये इनके आदत में है। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आइए जानते हैं जनपद फरुखाबाद की एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार द्वारा मिशन शक्ति का बड़ी ही जोरदारी से प्रचार किया गया और महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, अपराध और शोषण बिल्कुल नहीं सहे जाएंगे, जीरो टॉलरेंस होगी और कड़ी से कड़ी, जल्द से जल्द कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। परंतु इतनी सख्ती के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद में नित दिन महिलाओं के साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है। बीते दिन थाना मऊ दरवाजा के मोहल्ला मौलवी बदन खां में सरेआम एक महिला को पीटा और उसके साथ अभद्रता की गई, और आज शमशाबाद के एक प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका ने प्रधानाध्यापक पर अश्लील तंज कसने व मानसिक प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर शिक्षकों में विवाद छिड़ गया और विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और विद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित रहा, जिसके बाद अध्यापिकाओं ने यूपी 76 न्यूज को बताया। इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जी जी, अभी जो मैम उदास हैं, रो रही हैं, इनके साथ अश्लील हरकतों का उल्लेख किया जा रहा है, छींटाकशी करते हैं लोग, तो ये क्या है पूरा मामला बता दीजिएगा। अध्यापक लोग करते हैं। कौन कौन है? सुनील कुमार है, अमित कुमार है। क्या करते हैं? ऐसी बातें करते हैं, गंदी से, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है मैडम के बारे में, बच्चों के बारे में कहते हैं, इनकी दो दो शादियां हुई हैं वैसे। मारपीट भी करते हैं बच्चों के साथ? हाँ करते हैं, उसका वीडियो है मेरे पास। और हर तरीके से हरकतें, अश्लील बातें करना, अश्लील हरकतें करना, ये इनके आदत में है। तीनों लोग करते हैं? विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं, सभी मिलके करते हैं। विकृत मानसिकता के ये लोग व्यक्ति हैं, ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इनसे जान का भी खतरा है, मुझे इनसे हर तरीके का खतरा पैदा हुआ है। और यही नहीं, इतनी सारी बातें हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बच्चों को मारना इनका नेचर बन गया।